हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हो टेक्निक इंडिया। तो आज के वीडियो में आपको ईपीएफओ का बैलेंस मतलब पीएफ का बैलेंस आप किस तरह से चेक कर सकते हो, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसे दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कंपनी में होगा, तो वहाँ पर आपको एक पीएफ का अकाउंट जरूर होगा। मतलब पीएफ मतलब आपके हर महीने में आपके सैलरी से कुछ पैसा कट हो जाता है और आपकी कंपनी कुछ पैसा उसके अकाउंट में से मिला के आपके जो ईपीएफओ का बैलेंस अकाउंट रहता है उसमें हर महीने में जमा करते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा पैसा जमा होकर आपका कुछ सेविंग हो जाता है। तो इस बैलेंस को आपको किस तरह से चेक करना है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। पहला तो इसमें आपको एक नंबर है, तो उस नंबर पर अगर आप मिस कॉल करेंगे तो आपको एक SMS के थ्रू आपका अभी तक कितना पैसा वहाँ पर जमा हुआ है EPFO में, उसका एक आपको मैसेज आ जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है। अगर कभी कभी आपका जब EPFO के साथ जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया और अब नंबर आपके पास नहीं रहेगा, तो इस ऑप्शन का आप यूज़ नहीं कर सकते हो। या अगर आपको कभी कभी मैसेज नहीं आता है वहाँ से मिस कॉल मारने के बाद, तो भी इसमें आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है, आपको गवर्नमेंट का एक उमंग नाम का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो उसमें आपको रजिस्टर होने के बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आपको होम में ही यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा EPFO का। तो यहाँ पे आप EPFO में आप जाओगे, जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन दिखता है। तो आपको यहाँ पे एम्प्लाइज पे जाना है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यू पासबुक का ऑप्शन दिखता है। जैसे आप यू पासबुक पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस एप्लीकेशन में आपको सारा डिटेल्स आपका शो करेगा, आप किस कंपनी में काम करते हैं और आपका डिटेल्स क्या है। अगर आपको डायरेक्टली शो नहीं करता है तो यहाँ पे आपको आपका UAN नंबर डालना पड़ेगा और उसके बाद आपको एक मोबाइल पे OTP आएगा, उस OTP के साथ यहाँ पे आपका बैलेंस शो करेगा। तो ये आपका कंपनी का नाम पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस आते हैं, तो इसमें आपको सारा डिटेल्स आपका शो करता है अभी तक अपना अकाउंट में कितना बैलेंस जमा हुआ है EPFO का, और आपने कितना विड्रॉल किया वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका हर महीने में कितना कितना पैसे जमा हुआ ये भी आपको यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरह से दो तरह से आप आसानी से अपना EPFO का बैलेंस चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और आप भी अपना EPFO का बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो इस दो तरह से आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो बाजू में बेल की घंटी है उसको भी आप जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो मैं वैभव मिलता हूँ आपको किसी और अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।